तो साथियों देख सकते हैं अभी हम लोग जो है आदिवासी क्षेत्र में आए हुए हैं और दीदी जो है आज यहाँ पे सभी मिलके कर्मा कर रहे हैं। कुछ चीजों को हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लगभग जो 3 बजा है प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसके बाद आप जो है सच्चाई आज तक में एक ऐसा खबर देखेंगे जो आज तक आपको अभी तक ले कोई नहीं दिखाया है। तो सभी भैया से हम लोग बात करने का कोशिश कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा कैमरामैन फोकस करेंगे कि यहाँ का सजावट थोड़ा सा देख लीजिए कि किस प्रकार से सजावट है। और थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा भैया क्या नाम है, थोड़ा सा नाम बताएंगे क्या? नीरज कुमार। क्या कहना चाहेंगे भैया, पूरा एकदम सजावट कर रहे हैं क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि अच्छा से कर रहे हैं, धूमधाम से मनाएंगे। आप भी सब झूमर गाते हैं सर? नहीं हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ सपोर्ट तो कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सच्चाई आज तक देखने वाले सभी परिवार को शुभकामना। और अभी मेरी मौजूदगी है चानन प्रखंड पंचायत संग्रामपुर और गाँव का नाम है कछुआ। एक आदिवासी समाज का एक क्षेत्र है, आज हम उसी क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे कर्मा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है आज, इसके बारे में हम यहाँ के जो दर्शक हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं हम उनके माध्यम से लेंगे। स्वागत है सर आपका। ठीक है, पहले तो हम आपको सच्चाई आज तक चैनल, जो कि अभी तक कछुआ में कोई चैनल नहीं आया था, इसलिए आप आए, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के बारे में जानने के लिए आप कुछ हम भी बताएंगे। और आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम है पप्पू कुमार है। अच्छा, ये यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर कि यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से हम देख रहे हैं सर कि मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे सर? देखिए ये पूर्वज से जो है कि चला आ रहा है, और मेरा बाबा परदादा और आगे की पीढ़ी जो जैसे चलते आ रहा है उसी अनुसार से हम मनाते आ रहे हैं। तो कर्मा ही पूजा क्यों इतना धूमधाम से मनाया जाता है सर आप में? देखिए कर्मा मेरा मेन पर्व है, आदिवासी का जो पर्व होता है मेन पर्व है कर्मा, जो कि अपना जो बहन है जहाँ जहाँ ससुराल है, कुमारी भी है, जो भी है, भाई के लिए अपना कर्मा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भाई को माना जाता है। इसलिए सर जो अभी ससुराल में है, जो भी दीदी ससुराल में है, उनको नेहरा में आके कर्मा करना होता है। जी हाँ हाँ, ये सबसे पहला। हाँ। और इसमें क्या क्या अलग, आप जिसे यादव समाज में भी कर्मा होता है तो वहाँ पे कुछ चेंज होता है, अब यहाँ पे क्या कुछ उसके चेंजिंग के बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए मेरा जो है आदिवासी का परंपरा है, ढोल नेंगाड़ा और झूमर होता है, वो सब मेरा सांस्कृतिक जो है प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोगों का एक अलग टाइप से मनाया जाते हैं। इसलिए अब कुछ ही देरी में रात में हम लोगों का करीब 10 या 9 बजे के अंतराल में होता है, कहानी होता है। कहानी के बाद अपने अपने दीदी सब पूजा वूजा करती है, और उसके बाद पूजा करके पूजा खत्म होता है, उसके बाद झूमर उमर लगता है, सब हम लोग भी खेलते हैं। और झूमर खेलते हैं? हाँ हाँ हम भी खेलते हैं। गाते हैं आप भी सर? हाँ गाते हैं। थोड़ा सा एक लाइन से सुनिए। देखिए गाने का तो उतना बढ़िया से खेलें, एक लाइन सुना दीजिए। आजू करमा डार खेले के नियम गे, आजू करमा डार। ज़्यादा तो विशेष हम लोग स्टूडेंट हैं, इतना थी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा पारंपरिक है कार्य है, लेकिन उसमें हम भाग लेते हैं और हम भी मिलजुल करके डांस उन्स करते हैं, नाचते गाते हैं, इसलिए हम लोग गाते हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं, भूल गए हैं। कुछ कुछ गीत कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ अनारी है, लेकिन ठीक अच्छा, हम आपसे अभी फिर भैया से मिलेंगे। हाँ। जब स्टार्ट होगा तो भैया जी थोड़ा सा आप भी आएंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नंद किशोर कोड़ा है। अच्छा, बहुत धूमधाम से देखेंगे आप, काफी मेहनत कर रहे हैं, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं सर? जी जी जी, बहुत भीड़ जिसमें हजारों जनसंख्या और एनी अदर की भी आते हैं देखने के लिए यहाँ। अदर? हाँ हाँ, हमारे इधर देहाती टोला है, उन लोग के भी आते हैं, हम लोग आज भी आएंगे देखने के। हाँ आज भी आएगा देखने के लिए आएगा जी। तो क्या कहना चाहेंगे भैया, कितने बजे से यहाँ पे काम चालू होगा? यहाँ से 7-8 बजे मतलब काम हम लोग के पूजा पाठ चालू हो जाएगा। जी जी, डीजे वजे का भी व्यवस्था? हाँ डीजे भी, देखो अभी हम लोग जितना की कमेटी वो से तार खींच रहा है, को फूल बैलून फुला रहा है, ये सब हम लोग कर रहे हैं एकता हम लोग। कितना साल से भी आप इसमें? ये बहुत पुराना जोग से, जब आदि मानव पैदा हुआ ना, जिसी समय हम लोग के जब आदिवासी नाम हुआ उस समय से हम लोग मनाए आ रहे हैं। मतलब टोटल आदमी एकता के साथ मना? हाँ एकता के साथ जी। चंदा के साथ? चंदा के साथ। कितना कितना चंदा लेते हैं कर्म करने? हम लोग जो आदिवासी जो महिला जो घर में गरीब है उन लोगों से
खुशी से दान लेते हैं, जो जिसे देखा है उसे पास देता वो नहीं लेता। अच्छा, आप लोग भी सर झूमर गाते हैं डांस करते हैं? हाँ, झूमर भी डांस साथ में आप लोग सब। हाँ जी जी, हाँ देख लीजिए, आंखों देखा दे, 9 बजे तक आप रहिए तो देख लीजिए कि आज झूमर होगा जिसमें उधर माताएं बहन रहेंगे, हम लोग भाई दादा पिता सब सम्मानित रहेंगे, सब मिल के सब मिल के गाते हैं। तो साथियों आज पहली, थोड़ा सा भैया जी आप भी अपना नाम बताएंगे क्या? मेरा नाम हरे राम कुमार है। तो क्या जानकारी देंगे भैया यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में हम यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से धूमधाम कर्मा मनाया जाता है हर साल के बाद भी। हर साल के हर साल आप लोग सपोर्ट करते हैं जी। सबसे सबसे हर साल सबसे पर्व आपका सबसे मेन पर्व हम लोग का यही है, इससे बड़ा पर्व नहीं है। नहीं तो साथियों हम लोग लगातार जानकारी लेने का कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर? नहीं हमें गाय। अच्छा।